जैसलमेर जिला हेडक्वार्टर तो लगभग 50 किलोमीटर दूर कुलद्वारा खाबा रोड से स्थित ए डेढ़ा पिंड का इतिहासिक जसेरी तला है। ये पालीवाल सभ्याचार का प्रतीक है। ये तला नेड़ले दर्जना पिंडां दी प्यास नूं बुझाउंदा है। पिंड वासियां ते इतिहासकारां दी मन्नीए तां 400 साल पहला दियोर दे ताने ते परजाई दे पिता ने यह तला खुदवाया सी। इसलिए तला दा नाम जसबाई दे नां ते जसेरी तला रख्या गया। जस्सी या जसोदा एक ऐसी युवती थी जिसकी शादी हुई और वो इस क्षेत्र में जब दुल्हन बन के आई तो उसको पानी लेने जाना पड़ता था। जहाँ वो पानी लेने गई वहाँ पर पहले से कोई व्यक्ति अपने पशु को पानी पिला रहा था, तो इसने उसको कहा होगा कि भाई मेरा बच्चा छोटा घर पे है तो पहले मुझे पानी का एक घड़ा भर लेने दो। उसने मना कर दिया। फिर ये पानी भर के जब वापस घर पहुंची तो इसको लगा कि मैं मेरे देवर को ये शिकायत करूँ। उनको लगा देवर कुछ सकारात्मक जवाब देंगे। उनके देवर ने उल्टे ही उनको ताना मारा कि भाई भाभी यहाँ तो पानी लेने आपको जाना है तो इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने पिताजी से कहोगे आपके खुद के लिए तालाब बनवा दे। उनके पिता कितने सपूत थे कि अपनी बेटी के लिए तालाब खुदवाने अपनी बेटी के ससुराल आए और ये बहुत विशाल जसेरी तालाब जो खोदा गया। चूंकि बेटी का नाम जसी या जसोदा था तो उसी के नाम पे इसका नाम जसेरी बना। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अंदर पीतल की परत भी अंदर की तरफ चढ़ाई गई। और ये जब पूरा तालाब बन के तैयार हुआ तो भगवान इंद्र भी मेहरबान हुए, बारिश हुई और बारिश हुई तो पहला घड़ा जसेरी तालाब का जसोदा ने भरा। तो इस तरह से मतलब जैसलमेर में ऐसी कई चीज़ें हुई कि एक छोटे से ताने ने लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। तो हम प्रणाम करते हैं उस पिता को और उस पुत्री को जिन्होंने एक ऐसा नायाब तोहफा जैसलमेर को दिया जो आज सैकड़ों वर्षों बाद भी लोगों की प्यास बुझा। कहा जाता है कि जसेरी तलाब नूं पित्तल दी चादर दी एक परत भी लगाई गई है। तलाब बनन तो बाद एक वार भी इसका पानी नहीं सुकिया। एक बार 1971 विच बहुत वड्डा अकाल पिया सी। उस समय इसका पानी घटिया तो जरूर सी पर किसी ने भी इस तलाब का अजे तक तल नहीं वेख्या। एक तो क्या है उसका जो कैचमेंट एरिया है बहुत बढ़िया है, बहुत लंबा चौड़ा है, इसकी भराव क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बारिश का पानी उसमें काफ़ी स्टोर रहता है। कैचमेंट एरिया में भी जो मूल रूप से जो कैचमेंट एरिया क्ले बेल्ट है, चिकनी मिट्टी की है, तो जब भी बारिश होती है तो उसके साथ में चिकनी मिट्टी बह करके उसके पैंदे में जाके जम जाती है। तो छोटे मोटे अगर क्रैक्स वगैरह भी है तो हर साल वो फिलअप होते रहते हैं। स्टोरेज क्षमता बढ़ने के कारण और चिकनी मिट्टी की परतों के कारण में इसमें जो पानी का जो रिसाव है वो धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक भरे करने रहने के कारण पानी बहुत कम भी जो है बहुत धीरे धीरे होता है। नंबर दो, इस पीछे की तरफ पूरा रण क्षेत्र है, खड़ीन है, तो ये हमारी यहाँ जैसलमेर ज़िले की परंपरागत जल स्रोत भी है और जल संरचनाएँ हैं। तो खड़ीन का जो सीपेज का पानी है वो भी इसके जल स्तर को घटने नहीं देने में काफ़ी मदद करता है। धरती हेठले पानी के विज्ञानी मुताबिक तलाब के ना सुकन के बहुत सारे कारण ने। तला एक अजिही जगह पर बनाया गया है जिथे आस पास के दरिया का पानी वह के आता है। तला का भरन खेत्र भी ज्यादा है। नेड़ों वह के आए पानी नाल चिकनी मिट्टी भी आती है जो तला के तल से एक परत की तरह जमा हो जाती है, जिस कारण तालाब का पानी जल्दी नहीं सुकता। मारूथल में पानी की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। जसेरी तलाब पानी की संभाल की एक बहुत वधिया उदाहरण है। इस इतिहासिक तला की तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन विखे प्रदर्शन की गई है जो राजस्थान के रवायती पानी वाले पानी के स्रोतों के अमीर सभ्याचार बारे दसती है। वड्डी गिनती विच सैलानी भी इस तला नूं वेखण आउंदे ने। ईटीवी भारत की रिपोर्ट।